हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं रानी शर्मा सिंगल मदर लाइफ स्टाइल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज है संडे का दिन और देखिए क्या बन रहा है घर में। अभी नाश्ते में यही पूरी सब्जी खाई जाएगी। पूरी सब्जी बन रही है आज और ये सोनी बेल रही है और मैं आराम से बैठी हूँ और ये परी हमारी फ्राई चल रही है और एक तरफ बन रही है सब्जी। बन गई परिया सब्जी? हमारी बन चुकी है आलू की सब्जी। सूखी सब्जी बनाई है, आलू पूरी। तो आज आलू पूरी बनाने का मन कर रहा था तो आज आलू पूरी बनाई है और अभी चाय के साथ हम इसे, मतलब सुबह चाय फैन का नाश्ता हमने कर लिया था, ऐसे ही नॉर्मली ले लिया था क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो गया है। कितने बज गए? ओहो, अरे 11:45 हो गए और तो बहुत लेट सो के उठे हैं। 11:45 हो गए हैं। अब थोड़ा खा पी करके फिर उसके बाद नहाएंगे। आज का नाश्ता होगा 11:45। नाश्ता क्या, सीधा लंच ही हो जाएगा। नहीं लंच नहीं, सॉरी, हाँ लंच ही हो जाएगा सीधा। मैं डिनर बोलने जा रही थी तो आज सीधा लंच हो जाएगा और फिर उसके बाद बच्चे देखो आज कह रहे हैं मम्मी कहीं घूमने चलते हैं, तो देखते हैं आज घूमने के लिए कहाँ जाते हैं। गाइस देखिए, सोनी ने बीच में छोड़ दी है 2-4 पूड़ियाँ बेलने के लिए क्योंकि उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, तबीयत उसकी ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे मैं बना रही हूँ, मैं बेल रही हूँ। तू क्या कर रही है परिया? अरे टीवी मत ऑन कर, मत ऑन कर टीवी। टीवी देख देख के तुम लोग है ना बना खाने में और लेट कर देते हो। गाइस देखना मेरी गोल गोल पूड़ियाँ, काफी टाइम बाद बना रही हूँ मैं। इन बच्चों ने ना मेरी आदत छुटा दी घर पे काम ना करने की। इसीलिए मैं ना ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ, घर पे ना काम करती हूँ कुछ भी इसलिए, और अब तो होता भी नहीं है। और जब मैं राजस्थान जाती हूँ तो वहाँ मैं बहुत काम करती हूँ, पता है वहाँ पे मेरा वजन घट जाता है हमेशा ही जब भी मैं वहाँ जाती हूँ। एक तो वहाँ पे सिंपल सा खाना है, कोई वहाँ पे तला नहीं, कोई भुना नहीं, मतलब एकदम सिंपल चटनी रोटी। और जब मैं जाऊंगी आपको वहाँ लेके ज़रूर जाऊंगी, आपको वहाँ का ज़रूर दिखाऊंगी। वहाँ पे एकदम सिंपल सीधा खाना है और ज़्यादा वहाँ पानी प्यास नहीं लगता, जैसे हम यहाँ पे खाना खाते ही पानी पी लेते हैं। तो वहाँ से क्योंकि लस्सी होती है वहाँ, घर घर लस्सी मिलेगी तो वहाँ पे लस्सी वस्सी पी लेते हैं, तो इसलिए ज़्यादा प्यास नहीं लगती वहाँ पर। और वहाँ की सुबह में कभी भी सब्ज़ी नहीं बनती वहाँ पर, सुबह में बनाने को बना सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन मेरे सास ससुर बनाते ही नहीं हैं, वो हमेशा चटनी के साथ रोटी खाते हैं। तो अब इस बार अभी तो खैर प्लानिंग बन नहीं रही है, सोचा था अगली बार जाएंगे पर गए नहीं। अभी देखिए बच्चों की छुट्टियां भी सारी ऐसी घर में निकल गई आज इस बार। अब देखिए छुट्टी कब पड़ती है फिर जाते हैं, कब बनता है चांस जाने का। जनवरी में छुट्टी पड़ रही है? कितने दिन की? 15 दिन। जनवरी में बोल रही है 15 दिन की छुट्टी पड़ेगी, तब देखते हैं जाएंगे। आपको मैं दिखाऊंगी, ज़्यादा मतलब वैसा घर तो नहीं है हमारा, मेरे देवर ने भी बना लिया है कुछ अच्छा ठीक ठाक। पहले मिट्टी का था, एकदम मिट्टी का, अब उसने घर तो पक्का बना लिया है लेकिन अभी छत हमारी कच्ची है, पक्की नहीं है। लेंटर नहीं डलवाया है, खाली जैसे सिल्ली डाल करके मैंने जैसे यहाँ पे बनाया ऐसे ही बना हुआ है वहाँ पर भी। पर ये ले जाओ, प्लेट दे दो मेरे को। तो ये तो मैंने बेल दी, यहाँ पंखे में सूख रही है ना। तो आपको मैं वहाँ का सारा व्यू दिखाऊंगी। मेरे साथ यही एक कमी है कि मैं एकदम डायरेक्ट बैठ करके नहीं बना पाती। तुम दोनों लड़ती रहती हो, ऐसी हालत में भी चैन नहीं है। आप किस बात की लड़ाई कर रही हो? दो बड़ी बहनों होने का मतलब ये है कि हर वक्त लड़ते रहो। मेरे को है ना धुआं लग रहा है तेल का आंख में बड़ी तेज।
देखिए भैया दो सामान और गिरा गई, पता नहीं बच्चे भी है ना। चलिए गाइस मैं बना लेती हूँ पहले पूड़ियाँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस देखिए पूड़ी सब्जी हो गई है तैयार और मैं जा रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि मुझे लगी बहुत तेज की भूख। आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए, क्योंकि बज गए हैं 12:30, तो लंच कह सकते हैं इसको, और नाश्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा दोनों एक ही टाइम हो गया, लंच और नाश्ता एक साथ। तो आप लोग भी आ जाइए, मैं भी शुरू करती हूँ खाने के लिए।